को स्वागत करुछी मु निवेदिता दर्शक बंधु न्यूज रूम लाइव रे आमे लोकों को समस्या देखाई थाउ आ आमर गोटिए ही आमर दायित्व आमर कर्तव्य जे लोकों को समस्या दूर हेउ लोकों को कोन समस्या नै छि रही छि एबो यहा को सरकार को दृष्टि आकर्षण करबा आमर दायित्व सचेतन गणमाध्यम हिसाब रे आमे सब बेले चेष्टा करि थाउ लोकों को समस्या सरकार को निकट रे पहुंचबा पई एक गुरु दायित्व आमर रही छि ताको कि आमे सटीक रूपे संपादन करबा पई चेष्टा करथाउ आज आमे आलोचना करबा जे विषयवस्तु रही छि जे चासी को पैसा एमएलए को पेट रे अर्थात जो चासी रही छथि जो गरीब चासी रही छथि सरकार ताको पई चिंतित सरकार ताको पई योजना आनु छथि जे या बाबा नउ छथि जे आमे सरकार को आमे चासी को पई चिंतित आमे जेउति पई योजना अनेक आनु छथि ए सब भितरे आमे पूर्वरु देखाइतिलु जे आपण मानकर ठीक भाबे मने तिबो जे गुरुडी झाटिया समवाय स्कैम रो चित्र आमे आपण को देखाइतिलु ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखितिलु जे लोककर जे अभिजोग रहितला जे किबळी भाबे चासी को नारे कोटि कोटि टंका लोन करा जाय छि ताकू हडप करा जाय छि आ एथिरे विवाद रे छंदी होइतिरे समवाय मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई अर्थात राजा बाबू चासी माने गुरुडी झाटिया आठगड़ गुरुडी झाटिया रो आसीतिले बद्रिक बासभवन अर्थात क्वार्टर आगरे विक्षोभ करितिले एवं बर्तमान सुधा मध्य तार कौनसी समाधान हलानी कि कौनसी प्रकार रे कार्यानुष्ठान हलानी एवं कार्यानुष्ठान किभली आशा करा जाय परे एथरु ही आपण अनुमान करि परथबे आज आमे जे आलोचना करछती जे चासी को टंका विधायकों को पेट रे विधायकों को पॉकेट रे तबे बड़ो प्रश्न आसुछि जे चासी के एवं कौन हेई छि प्रकृत रे पूरा घटना जे आमे कहि रखुछु जे रहिछती रेमुणा विधायक जे रहिछती सुधांशु पड़ा तांको नारे सांघातिक अभिजोग आसुछि आ अभिजोग एया जे चासी को नारे कृषि यंत्रपाति किना जाय छि ए जो सब्सिडी टंका आसी छि पाखा पाकी 6 लाख टंका रो लूट करा जाय छि केवल जणक क्षेत्र रे नुए दुई दुई जणक क्षेत्र रे समान स्थिति देखबा को मिलछि से माने जानि नाती सब्सिडी आसुछि एवं काकू खोद शासक दलर विधायक जे रहिछती सुधांशु पड़ा से आकू हड़प करछती तांको नार अभिजोग आसुछि आ बड़ कथा जते बेले से अभिजोग नै जाउछती विधांश रे अभिजोग करछती प्रशासन निकट रे अभिजोग करछती किंतु वर्तमान सुधा कोनोसी कार्यानुष्ठान नैनी अधिक आलोचना करबा पूरा घटना को नै आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अनंत महांती आम सहित जोड़ैछती युक्त महांती आलोचना को स्वागत करबी विभिन्न प्रश्न करे आपण को सहित अनेक बार आमे आलोचना करछती आज जो विषय आमे आलोचना करबा को जाउछती जे चासी को प्रसंग बारंबार चासी को समस्या सहित तो आमे छिड़ा होइछती आज जो विषय आलोचना करबा जे किभळे भाबे चासी को नारे कोटि कोटि टका हडप करा जाउछी जो सब्सिडी टका जो चासी यंत्रपाति रे जदि कहबा कि पाखा पाकी 6 लाख टका रो हरिलूट होइछ ए अभिजोग आसुची जे रहिछती रेमुणा रो रेमुणा विधायक जे रहिछती सुधांशु पड़ा तांको नारे अभिजोग आसुची प्रथमे रिएक्शन आपनकर सुनिबी तापर तांको प्रतिक्रिया मध्ये आपनको सुनाइबी तबे किभळे देखंती पूरा घटना को राज्य एठाकार मात्राधिक लोक हेले कृषि उपरे निर्भरशील कृषक मानक नाम विभिन्न योजना करी ताहाकु हड़प करिवारे सरकार माहिर अछंती एक कथा आमे भी कहुनु ए सरकार समय रे जो विभिन्न तथ्य निजे सरकार प्रदान करिछंती ता भितरे ताहा स्पष्ट जळ जळ देखा जाउछ कृषि विभाग रो अनेक अधिकारी को राज्य सरकार विभिन्न समय रे दंड विधान भी देइछंती सस्पेंड करवर्त क्षेत्र में कठोर कार्यानुष्ठानी कथा कि 18 नवंबर 2019 मुख्यमंत्री निजे 6817 दुर्नीति मामला पेंडिंग रही पेंडिंग मामला भितर अधिकांश आप कृषि रिलेटेड कथा देखते कृषक कथा हूँ हॉर्टिकल्चर कथा हूँ मान उद्यान कृषि हूँ कि अन्य कौन क्षेत्र सामग्री किनार हूँ से भितर भी अनेक अधिकारी रही जो कहले कि आज रेमुणा विधायक कथा कहते सुधांशु पड़ा क्षेत्र में यह किसी नुआ नुह पूर्व क्षेत्र में राजस्वी जी की खाउटी समुदाय क्षेत्र थे सी भी जड़ित अच्छा विभिन्न समय भाई संपर्क अरुण साहू कथा कहतु जे कि कृषि मंत्री सी भी कालिया योजना मध्यम विभिन्न टंका हड़प करवा कृषक ना बहु योजना कर हड़प कर रही कथा आईटी मानने राज्य सरकार को जो विभिन्न मंत्री रही विभिन्न विधायक रही सबुबले तांकरी योजना तांको विभाग रो थिबा समस्त प्रकार जेते योजना होची सुजुक्त महांती निजे योजना कहउछंती एवं निजे ही लुटुछंती एक कथा कह जाय पारे सुजुक्त महांती आलोचना तो करी बात बे जो अभिजोगकारी रहिछंती जहांकर सब्सिडी टका को हड़प करा जायछि सेवानकर अभिजोग कोन रहिछि हम प्रतिनिधि मध्य आलोचना करथिले ताको रिएक्शन सुनि नंतु तापर फेरबी आपनम पाखो
आसीतिला सर से एका से टंकाटा माने दलाल मान को अकाउंट को ट्रांसफर कर नै छन कृषि यंत्रपति किना हेतिला सर मुई जानी ना से डॉक्यूमेंट्स से माने लुटी करे माने फॉरजरी रे नै थने आपन को नारे के किनी छी किनी थने के से नाम जानी ना सर आसीतिला सर से मान के से माने ट्रांसफर कर नै जाय छन टंकाटा मु पाइथली सर विथड्रॉ करथली 60,000 तापर 60,000 से माने 540,000 तांको अकाउंट को ट्रांसफर कर नेले आ तापर से 20,000 देले सर आ से 40,000 से माने नै गले आसी नै से माने फोन करू छे धमक दउ छे सर कोन बोली धमक दउ छन से मारि देमो बोली रेमुणा विधायक से सुधांशु शेखर परिडा से तांकर ओडे एग्रीकल्चर पावर टिलर ट्रैक्टर हार्वेस्टर बिकिवार ओडे संस्था अछि निगमानंद एसोसिएट से निगमानंद एसोसिएट माध्यम रे से बहुत एससी एसटी फार्मर ना रे फल्स सब ये करी सब्सिड सब निजे आत्मसात करछन्ति तार समस्त तथ्य मो पाखरे अछि से डीलर बेनिफिशियरी अकाउंट प्रथम पैसा डिपोजिट करुच्छे तापर बेनिफिशियरी ता अकाउंट को पैसा दूची तापर देला परे से डायरेक्टर एग्रीकल्चर गोटे दे दूची जे बेनिफिशियरी मते पैसा देला मु ताको गाड़ी सप्लाई कली एटा पेपर ट्रांजेक्शन कर देदेला तापर सब्सिडीटा पड़ी आसुच्छे बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी अकाउंट पड़ी आसुच्छे बेनिफिशियरी अकाउंट तार सब दलाल मैंने अच्छा से दलाल मानक माध्यम सब टा कोड़े 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 काटिक पुणी बुलिकी तारी अकाउंट को पैसा पड़ी आसुच्छे निगमान एसोसिएट अकाउंट को पैसा पड़ी आसुच्छे पूरा फुल इनवल्वमेंट अच्छी से कृषि जंत्रपाति गुड़ाक सेम इंजिन नंबर चेसिस नंबर को बेंगल को बिकी दौरान फाइनान्स मध्यम गोटे गाड़ी को दुई थर बिकुंट डॉक्टर क्षमा करेंगे श्रीजुक्त महांति आपण तो पूरा रिएक्शन शुणुते आपण को बेसी बुझेवाक हुए तो पड़बन आम पूर्व अनेक थर आलोचना कर गला फटे चित्कार कर सरकार कान में कम से कम ये सब प्रसंग पढ़ू सरकार जानतु सरकार चेतंतु कि बड़ प्रश्न आसुचे निजे योजना करुछंती आउ निज दलर नेता कर्मी माने ताकु लुटुछंती हां एटा हला सेमानकर ट्रेंड जे कोनोसी विभाग रे होना काकि सेई विभाग रो विभिन्न योजना करबा एवं से योजना माध्यम रे कोन सब्सिडी रहिछि एवं से सब्सिडी पाइबा पई हिताधिकारी चयन करबा से हिताधिकारी चयन समय रे सेथिरे विभिन्न नाकु रंगबेरंग करी बा मिथ्या हिताधिकारी किभलि भाबे चयन हबे तारी कार्य करबा ता सहित मझे दलाल नियुक्त करबा एवं ए जो दलालगिरी करिवे से दलालगिरी निश्चित भाबे सही विधायक बा सही मंत्री कर अति घनिष्ठ संपर्क एवं निकटतम सिथिबो आपनकु मु दुई चारि कथा उदाहरण भी देई परबी देखंतो जेंति कि रहिचंदी प्रमिला मल्लिक जे कि जने साणुआ विधायक से डाली दुर्नीति सेथिरे किए संपृक्त थिले तांकरि भाई संपृक्त थिले एवं नवदास कथा जतेबेले कि आसुची सेतेबेले तांकर जो एबे जो सब घोटाला घटिला ता भितरे भी आमे देखिले तांकरि केमती निज संपर्क माने सेठि कार्य करचोंदी एवं श्री त्रिपाठी किभली भाबे धमक देकिरी तांकर घनिष्ठ लोक किभली चंदा आदाय करचोंदी से कथा भी आमे देखिजे एवं जतेबेले कि ए सब कथा भितरे विधानसभा रे जे मुखिया लोक बसंती जे समस्त को पाठ पढांती दिग पहुंची विधायक कथ भी देखिए बीआरएमएस जमी दुर्नीति घनिष्ठ लोक ही करते आम कौन से निजे ही सेठाकर भी एत कृषि जंत्रपाति जी कि रही दिग पहुंची ब्लॉक चेयरमैन निज संपर्क लोक ही सी भी संपृक्त अच्छा हुए तो गंजाम खबर बोली बहु बाहर को जाऊनी तदंत होनी जेहेतु मुख्यमंत्री जिला और कला छिटिका पड़ीजर आसो देखिए विक्रम आरुंग कथा देखिए से जंगल विभाग रे भी जिते कथा रही जंगल विभाग रे भी से दुर्नीति सेमती रही मझे हिताधिकारी टंका को जाकर संपर्क लोक मैंने से टंका को हड़प कर मझे दलालगिरी करी जो हिताधिकारी मानक जाते से हिताधिकारी मान ना आपड़ कौटि भी पाइबे से लोक कौटि खोजिले भी एत सहजे पाइबे तेणु एटा है से गोटे उदाहरण उदाहरण समवाय स्कैम कथा मन थी आठगुड़ गुरुड़ी झाटिया जे मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई भाई ना अभियोग आेत्र में कार्यानुष्ठान ना राजेश स्वाई कथा भी मुझे प्रथम ना प्रथम दफार जो ना उच्चारण करते रणेन्द्र प्रताप स्वाई निज भाई किभली भाव अनेक लोक समवाय टंका हड़प कले घर आगे जो प्रकार आंदोलन है ये सब कथा को देखिए ये सरकार है संपूर्ण रूप से दुर्नीति घटेबार सरकार आउ गोटे कथा भी आप सब बड़ चिंताजनक कथ जो आप एनालिसिस करेंगे पाइबे जे 2017 मसीह 2021 भितर जो राज्य सरकार किसी अधिकारी कार्यानुषान नहीं अब्याहती देती कहते आप गोटे बड़ कथ देखो सब दुर्नीतिगत अफिसर केवल ओडिशा माटी और ओडिशा माटी जन्म
ହୋଇଥିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପାର୍ପଡ଼ଦାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଏନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ 12 ଜଣ କି 13 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରଟିଓର ଜଣକୁ ବସେଇଥିଲେ, କୃଷିର ଜଣକୁ ବସେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନିଆଯାଇଛି, କେବଳ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଥ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି କାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ 895 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, 798 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରେ 3535 ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଲୋକ କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ଏବଂ 6817 ମାମଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମାମଲାକୁ ପୁରାପୁରି କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବା ସମାପନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଦି କୌଣସି ଶାସକ ଦଳର ନେତା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫେଲ ମାରେ। ଆମେ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପୁରା ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବା, ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଆମ ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏକ ସଚେତନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ, ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚେତା ପଶିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ମାଝି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା, ତାହା ଦେଖି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତା, ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୃଷି ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆସୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକାୟତକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋକାୟତରୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଥିଲା। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ କହିପାରିବା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏଇସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି ଏଇସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନିବେଦିତା, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ବିଧାୟକ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରୁନି ନା? ଏ ବିଧାୟକଙ୍କର ସେମିତିକା ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରନ୍ତା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇସାରନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କହିପାରିବା ନିବେଦିତା? ନିହାତି ଭାବେ ସଞ୍ଜୟ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ, ଆମ ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ। କୋଭିଡ କେଳେଙ୍କାରୀ କଥା କହିବା, ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିବା, କୃଷି ବିଭାଗରେ ଅନେକ ହେରଫେର କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ।
प्रमिला मल्लिक कथा कहवा सहित राजा स्वाई कथा कहवा अरुण साहू कथा कहवा नवदास कथा कहवा अनेक मंत्री नेता विवाद को आसी सबुटी से समान कथा देखा मिले कौन सी कार्यानुष्ठान नाम निशान न था क्षेत्र में जो भी भाव निरीह चाषी जो चाषी रही सरकार कहते आम चिंतित आम जत्नवान आम चिंता प्रकट करुचु नो डाउट आप योजना करुँचु योजना जो करोजना मध्यम जो हरी लुट हो जो लुट हो निरीह चाषी को जो ठकुं लुटुं यार विरोध में कैसे कार्यानुष्ठान जदि सठी कार्यानुष्ठान होता हे तो बारंबार ये चित्र राज्य में सामना को आसतानी तेज प्रश्न रही भाव जो रेमुणा विधायकों नाँ अभोग आसूसी सुधांशु पैडा नाँ जो सांघातिक अभोग आणुंट चाषी जो भाई भाव जो कृषि जंत्रपाति लक्ष लक्ष टा हेरफेर हो सी जाणी ना अकाउंट को टंका आसूँ सब्सिडी अर्थ निजे लुटि नेतने से अभोग कर हत्या धमक दि जाऊँगी या तो सांघातिक स्थित हुए तो राज्य में कि नईपे तेज आशा करुचु जो भाई भाव विधायक नाँ से अभोग आसूँ सुधांशु पैडा नाँ के कार्यानुष्ठान शासक दल नेता मंत्री बोली समान स्थिति क्षेत्र में देखा मिले ए प्रसंग सहित ए प्रश्न सहित वर्तमान न्यूज रूम लाइव को ये रखुचु नमस्कार।